नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखिए। और जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ अद्भुत चमत्कारिक टोटके व उपाय, बहुत सारी साधनाएं भी सिखाती हूँ। और आज बात करने जा रही हूँ नारियल की। हम सबका फेवरेट नारियल, फलों में सबका फेवरेट नारियल होता है और देवों को भी प्रिय है ये नारियल। इसीलिए नारियल को श्री फल कहा जाता है। किसी भी फल के आगे श्री नहीं लगाया जाता और नारियल के आगे श्री फल जो इसे उपाधि मिली है, इसके पीछे अद्भुत रहस्य है। क्यों? नारियल की ही बलि पड़ती है। जी हाँ, मैं बलि शब्द इसलिए कह रही हूँ कि एक सात्विक बलि है। बकरे की बलि पड़ती है ना, बकरे की और कितने जानवरों की। अब तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, कम होनी भी चाहिए। कभी भी किसी जीव की बलि ना करे, उसकी हत्या ना करे, उसे बलि का रूप ना दे, सात्विक बलि दे। नींबू के काटने को बलि कहते हैं, आप नारियल फोड़ सकते हैं, ये भी बलि है। कोहरे की बलि पड़ती है, भूए का बलि पड़ता है, तो ये सात्विक बलि है। और मैं आज बात नारियल की करने जा रही हूँ। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा है कि दीदी हमारा नारियल सड़ा हुआ निकल जाता है, तो हम क्या करें? वो डर जाते हैं कि हमारे साथ अब कुछ बुरा होने वाला है, भगवान को हमारा फल स्वीकार नहीं हुआ है। इसीलिए आज मैं ये नारियल स्पेशल एपिसोड बनाई हूँ। मैं नारियल की बहुत सारी बातें बताने जा रही हूँ। दोस्तों, नारियल फोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें, छोटा ही खरीदें, हल्का ही नारियल खरीदें, ताकि एक बार में आप नारियल को तोड़ सकें। जब भी आप नारियल तोड़ने जाएं ईश्वर के सामने, माता रानी के सामने, नारियल को जरूर धो लें और उसमें तिलक जरूर लगा लें और उसे एक बार उस भगवान के आगे, जहां पर भी आप नारियल तोड़ रहे हैं, हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं, माता रानी को चढ़ा रहे हैं, तो नारियल को उन्हें अर्पण कर दे। एक सेकेंड के लिए पीछे हो जाए हाथ जोड़कर और नारियल उन्हें दे दे। उसके बाद नारियल को आपको उठाना है, माथे से लगाना है और एक बार जयकारा जरूर बोलना है, ताकि उस एक सेकेंड में जिस वक्त आप भोग दे रहे हैं भगवान को, उसे एक सेकंड में आपके दिमाग में कोई बात ना आए। इसीलिए आपको उसी भगवान का एक बार जयकारा लगाकर ही नारियल तोड़नी है। आप जयकारा जोर से नहीं लगा सकते, आपको शर्म आती है, बहुत लोग है या खाली है, आप नहीं बोल सकते, मन ही मन बोले, लेकिन उस भगवान का जयकारा लगाकर नारियल को तोड़े और एक बार में तोड़े। नहीं टूटता है एक बार में, कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है और कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे। दो बार में तोड़े, जल को आप भगवान पर भी चढ़ाएं और उस जल को अपने सरमस्तक पर भी जरूर लगाएं। आपकी समझिए, नारियल की बलि आपने चढ़ाई है और ये सबसे शुद्ध बलि होती है, सबसे असरदार बलि होती है। आपकी जिंदगी बदलने लगती है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो नारियल को जरूर चढ़ाते हैं। और अब दूसरा सवाल है कि कलश पर रखे नारियल का हम क्या करें? ये जो कलश पर हम नारियल रखते हैं, उसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उसी नारियल में उन्हें बुलाते हैं। इसीलिए उसे कभी भूल कर भी तोड़कर ना खाएं, कहीं फेंक ना दें, उसे जल में अर्पण करें। जब आप जल में उसे उन्हें अर्पण करते हैं और नारियल बहने लगता है आगे, तो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करें कि मैंने आपको आह्वान करके इसमें बुलाया था, अगर मेरे पास आपको जरा सी भी कष्ट हुई हो, मुझसे मेरे परिवार से थोड़ी भी भूल हो गई हो, तो हे भगवान, हे माता रानी, हमें क्षमा कीजिएगा, हमारे परिवार को क्षमा कीजिएगा। अब आप जाइए, आप जल में अर्पण करके हाथ जोड़कर क्षमा जरूर मांगे। किस नारियल को? कलश पर जो हम रखते हैं और जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, उसे तोड़कर हम प्रसाद के रूप में खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी बांटेंगे। बात करती है तीसरी दशा की। नारियल अगर आप तोड़ते हैं और उसमें फूल निकल जाता है, छोटा सा फल निकल जाता है ना, गोल सा सफेद सा निकला हुआ रहता है, लोग कहते हैं ये क्या है, पता नहीं ये खराब है क्या, ये जहर है क्या, कुछ लोग कहते हैं ये पाप है, अब इसे हम खा नहीं सकते। मैं इन सारी मिथ्य बातों से पर्दा हटाती हूँ। अगर आपने नारियल तोड़ा किसी भी देवी देवता के सामने या यूं ही खाने के लिए भी और उसमें फूल निकल जाता है, तो बहुत जल्दी आपके आपके परिवार में या खानदान में भी किसी शिशु का जन्म होगा। आपको जन्म की सूचना मिलेगी, जन्म की खबर मिलेगी और आपके परिवार में ही जन्म होगा। तो जन्म एक शुभ संकेत होता है और ये जो नारियल में फूल दिखा है वो एक परिवार वृद्धि का सूचक होता है, तो इसे बिल्कुल ना घबराएं। अब चौथी बात करूंगी और सबसे ज्यादा कमेंट्स वाली बात करूंगी कि हमारा नारियल सड़ा हुआ निकल गया तो क्या हुआ, अब हमें पाप लगेगा क्या, भगवान नाराज हो गए क्या? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सुकून ले लीजिए दिल में, आप पर भगवान ज्यादा ही खुश हैं। अगर आपका नारियल सड़ा हुआ निकल जाता है, यानी अमुक देवी देवता ने खुद आकर भोग स्वीकार किया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको देने की, उन्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
कभी कभी खाना हम इतना अच्छा बनाते हैं कि सामने वाला आता है खुद ही निकल कर खा लेते हैं, कहते हैं क्या करें कंट्रोल नहीं हुआ, खाना इतना अच्छा था, आपने खाना इतना अच्छा बनाया था। तो ये क्या हुआ, हमारी तारीफ होती है। इसी तरह अगर नारियल का भोग खुद ले लिया है देवी देवता ने तो वो सड़ा हुआ निकल जाएगा, और निश्चिंत रहिए आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, आपके प्रसाद को तो स्वयं देवी देवताओं ने भोग लिया है। अगर नारियल का पानी सूखा हुआ निकल जाए, सड़ा हुआ ना निकले, नारियल पर बिल्कुल सूखा हुआ निकले, आपने नारियल खरीदा था, बजा कर भी देखा था, पानी तो थी लेकिन तोड़ने पर एक बूंद भी पानी ना निकली, इसका मतलब देवी देवता ने खुद नारियल के उस रस को पान किया है। ये भी बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि जब हमारे घर में कोई आदमी आता है, कोई गेस्ट आते हैं, हमारे घर में भोजन करके जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ दे कर जाते हैं, चाहे हमारे बच्चों के हाथ में पैसे दे कर जाते हैं या हमें थैंक यू दे कर जाते हैं। अगर वो हमें थैंक यू भी ना दे, वो इतने कंजूस है कि उनके मुंह से तारीफ भी ना निकले, तो वो मन ही मन जरूर खुश हो जाते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। तो ये जो वो प्रसन्न होते हैं ना, वो दुआ हमें ही लगती है। तो सोचिए, जब देवी देवता आए, आपके नारियल के रस का पान किया उन्होंने, वो संतुष्ट हुए, तो वो तो हर हाल में कुछ देकर ही जाएंगे आपको। तो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर परिवर्तन होगा, कुछ शुभ सुनने को मिलेगा, आपके अटके काम बन जाएंगे। अगर आपका नारियल सूखा हुआ निकलता है, नारियल पे बहुत मिथ फैली हुई है, कभी भी किसी गलत बात पर ध्यान ना दे, नारियल सड़ा हुआ निकल गया तो भगवान नाराज हो गए, अब आपको यज्ञ करना पड़ेगा या आपको और 11-21 नारियल चढ़ाने पड़ेंगे। जैसी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे, नारियल सड़ा हुआ निकल जाए कोई बात नहीं, हम भगवान के लिए लाए थे, उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया। बस इतनी ही बात रखिए मन में, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कीजिए और हमेशा नारियल की ही बलि चढ़ाइए, सात्विक बलि पर भरोसा रखिए। सात्विक बलि हो या हम जानवरों की जो बलि दे देते हैं उससे दूर रहिए, और दूसरों को भी ऐसा करने से मना कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चरण छूकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारे छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार रखिए, अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।